रामायण इन साउथ ईस्ट एशिया रामकेन पुस्तक का वर्चुअल रूप से लोकार्पण किया गया। साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक का थाईलैंड की राजकुमारी महाचक्री सिरिंग धोन ने लोकार्पण किया। इस मौके पर केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि इससे भारत और थाईलैंड के सांस्कृतिक संबंधों को और भी ज्यादा मजबूती मिलेगी। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की रिपोर्ट। प्रोफेसर सत्यव्रत शास्त्री द्वारा लिखित और साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित रामायण इन साउथ ईस्ट एशिया रामकेन पुस्तक का शुक्रवार को वर्चुअल रूप से लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर थाईलैंड की राजकुमारी महाचक्री सिरिन धोर्न ने पुस्तक का लोकार्पण किया। रामायण इन साउथ ईस्ट एशिया वॉल्यूम 1 रामकेन थाई रामायण can be considered as the first part of our professor's magnum opus, an endeavor to do research on every aspect and in every culture in this world. The book shows his insight in his lifelong researches. I think for the love and devotion to the story of Rama. दक्षिण पूर्व एशिया में राम का चरित्र बहुत ही फैला हुआ है। राम का चरित्र और राम से जुड़ी हुई संस्कृति से रचा बसा देश माना जाता है थाईलैंड, जहां रामायण इन साउथ ईस्ट एशिया रामकेन पुस्तक भारत और थाईलैंड के सांस्कृतिक संबंधों को और ज्यादा मजबूती प्रदान करेगी। साथ ही श्री राम के चरित्र को भी वहां की युवा पीढ़ी को अच्छे से समझने का मौका मिलेगा। रामायण इन साउथ ईस्ट एशिया रामकेन जो हमारे सत्यव्रत शास्त्री जी ने लिखी है, इससे भारत में भी जो एक सांस्कृतिक संबंध है भारत और थाईलैंड के, वो भी मजबूत होंगे। श्री राम का चरित्र भी उस देश में यंगर जनरेशन के पास भी जाएगा और हमारी जो यंगर जनरेशन है उसको भी पता लगेगा कि थाईलैंड में भी रामायण रामकेन के नाम से ऐसे सारे करेक्टर पढ़ाए जाते हैं, पढ़े जाते हैं। और ये पुस्तक आने से मुझे लगता है बहुत अच्छा संदेश जाएगा। 440 पृष्ठों वाली इस पुस्तक की कीमत 2500 रुपये रखी गई है। इसके पहले अध्याय में जहां रामा स्टोरी इन थाईलैंड को देखा जा सकता है, तो वहीं दूसरे अध्याय में द रामकेन के साहित्यिक रूप को भी दर्शाया गया है। पुस्तक में इस्तेमाल किए गए रोचक चित्र भी काफी आकर्षण का केंद्र हैं। गिरीश निशाना, DD News, दिल्ली।